फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं सुपर पावर सेविंग मोड के बारे में, जैसे कि हम इस सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है बैटरी वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है सुपर पावर सेविंग मोड, तो राइट साइड से आप इसे ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद टर्न ऑन करेंगे। टर्न ऑन करने के बाद आपका ये ऑन हो जाएगा और आप देख सकते हैं सुपर पावर सेविंग मोड जैसे ही हमारा ऑन हो जाएगा तो आप देख सकते हैं हमारी जो बैटरी है वो येलो कलर की हो जाएगी और आपको स्क्रीन जो है वो इस तरीके की हो जाएगी। आपकी स्क्रीन यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्ट यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाता है। आप यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं, ड्राइव यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक है, और दो गेम दी जा रही हैं तो इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने फ़ोन में कोई सा भी ऐप यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सिलेक्ट और करेंगे और रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ देखिए रिमूव का ऑप्शन आ गया, रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसको आपको बैक करना है तो बैक करके आप क्या कर सकते हैं, इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एग्जिट सुपर पावर सेविंग मोड आ जाएगा, इसको हम एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करते ही आपका ये ऑफ हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आप देख सेटिंग से देख सकते हैं आपका जो सुपर पावर सेविंग मोड है वो आपका ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा इस तरीके से। और फ्रेंड्स, उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपका कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फ़ोन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।